हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। इलेक्ट्रिकल हिंदी ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो थी मेरी रिले के ऊपर थी, जिसमें हमने रिले के बेसिक्स लैचिंग कंसेप्ट को समझा था, एक फिजिकली रिले को देखा था और जाना था कि रिले आखिरकार होती क्या है और किस तरीके से काम करती है। जैसा कि अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं PLC की काफ़ी सारी वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ। अब तक जो 9 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो आज मैं PLC की 10वीं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें हमारा जो एम है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो लर्निंग आउटकम होगा इसमें, वो होगा हमारा सेट रिसेट कमांड को यूज करना। इससे हम यूज टू होंगे कि किस तरीके से हम सेट रिसेट कमांड को हम यूज कर सकते हैं और इसका एप्लीकेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हम अभी क्या करेंगे, चार कंडीशन है इसमें। आज की इस वीडियो में दो कंडीशन को पहले हम सर्किट डायग्राम देखेंगे, सर्किट डायग्राम के बाद उसके PLC लेडर को देखेंगे और फिर उसको एक सिमुलेट करके देखेंगे, ठीक, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आगे की जो दो कंडीशंस हैं वो हम अगली वीडियोज में देखेंगे। ये तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो जैसे हमारी पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है कि जब हमारे दोनों ही इनपुट्स NO टाइप के हो, NO मतलब नॉर्मली ओपन टाइप के हो, ठीक। तो इसमें हमें सबसे पहले देखना है, ये सर्किट डायग्राम हम देख रहे हैं पहले, ठीक। तो ये हमारा PLC का इनपुट है, हमारा क्या है, PLC का इनपुट है। ये PLC इनपुट हमने एक लिया है I0.0 और एक I0.1 लिया है। ये हम PLC जो ले रहे हैं वो सीमेंस की ले रहे हैं, सीमेंस की PLC ले रहे, तो इसमें इनपुट जो होते हैं I0.0, I0.1 यानी I सीरीज से शुरू होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमें दो पुश बटन लगाने हैं जो कि NO टाइप हो, ठीक। तो ये हमारे दोनों पुश बटन लग गए, ये PB1 हो गया और ये हमारा PB2 हो गया, ठीक। यहाँ से इनको +24 वोल्ट मिलेगा, तो जैसे ये प्रेस किए जाएंगे तो ये इनपुट इसमें हाई हो जाएगा और जैसे इसको प्रेस किया जाएगा ये इनपुट हाई हो जाएगा, ठीक। अब इसका आउटपुट का जो सर्किट डायग्राम है वो देख लेते हैं। सो आउटपुट के लिए हमारा क्यू सीरीज से शुरू होता है सीमेंस के अंदर, तो ये हमारा Q0.0 है और ये Q0.1 है, ठीक। तो इसके लिए जो भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये हमारा आउटपुट ऑन हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे केवल एक ही आउटपुट ले रहे हैं Q0.0, ठीक, आउटपुट 0.0 का यूज करेंगे और इसमें हम इस कंडीशन को हमें ट्रू करना है। कंडीशन हमारी जैसा कि आपने देखा था, कंडीशन ये थी कि जब हम I0.0 को प्रेस करें, मतलब I0.0 मतलब PB1 को प्रेस करें, तो Q0.0 क्या हो जाए, सेट हो जाए, और जब हम PB2 को प्रेस करें तो Q0.1 जो है वो क्या हो जाए, सॉरी Q0.0 जो है वो क्या हो जाए, रिसेट हो जाए, ठीक। तो ये हमारा हो गया ड्राइंग। अब इस ड्राइंग के हिसाब से हमें लैडर को कॉन्फ़िगर करना होता है, यानी लैडर की प्रोग्रामिंग करनी होती है। तो ये उसकी है प्रोग्रामिंग। तो देखिए हमने क्या किया, I0.0 का हमने NO कॉन्टैक्ट ले लिया, ठीक, Q0.0 का सेट पॉइंट ले लिया, दूसरे नेटवर्क में हमने क्या लिखा, I0.1 का NO कॉन्टैक्ट्स ले लिया है और Q0.0 को हमने रिसेट कर दिया है। तो देखिए जैसे ही हम पुश बटन 1 को प्रेस करेंगे तो ये हमारा हाई होगा और हाई होते ही ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक, सेट हो गया। अब हमें क्या करना है, रिसेट करना है। तो रिसेट करने के लिए हम जब I0.1 को प्रेस करेंगे तो जो हमारी Q0.0 की बिट है वो क्या हो जाएगी, रिसेट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो कंडीशन 1 हमारी है कि पुश बटन 1 को प्रेस करने पे हमारा Q0.0 सेट हो जाता है और पुश बटन दूसरे को प्रेस करने पे हमारा Q0.0 क्या हो जाता है, रिसेट हो जाता है। अब हम कंडीशन 2 को देखते हैं। कंडीशन 2 क्या कहता है, एम हमारा वही है, ऑब्जेक्टिव हमारा वही है कि सेट कमांड को सीखना है। हमारा टास्क क्या है कि जब हम I0.0 को प्रेस करें, यानी पुश बटन 1 को प्रेस करें, तो हमारा Q0.0 हमारा लैच होना चाहिए और जब हम पुश बटन 2 PB2 को हम प्रेस करें तो हमारा जो आउटपुट Q0.0 है वो अनलैच हो जाए या रीसेट हो जाए, या हम यहाँ पे कह सकते हैं रीसेट हो जाए,
ठीक। तो अब हमारी कंडीशन नंबर टू क्या है, कंडीशन नंबर टू है आई 0.0 एनओ होना चाहिए, आई 0.1 हमारा क्या होना चाहिए, एनसी टाइप होना चाहिए। तो कंडीशन टू के लिए सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम को देखते हैं। तो सर्किट डायग्राम सेम एट एटीजी होगा, बस इनपुट में चेंजेस क्या हो गए कि हमारा पुश बटन वन जो है ये हमारा एनओ टाइप हो गया और एनसी टाइप हो गया हमारा पुश बटन टू। ठीक। अब देखिए एनओ होने की वजह से जब तक हम इसको प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये हाई नहीं होगा, जैसे ही प्रेस करेंगे ये हाई हो जाएगा। अभी क्या है, ये लो है, प्रेस करने पे क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। लेकिन ये कंटिन्यूअस क्या है, हाई है, अभी क्या है, ये हाई है, जैसे ही प्रेस करेंगे लो हो जाएगा। ठीक। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं, तो आउटपुट भी हमारा ऐसा ही बनेगा जैसा कि हमारी पिछली कंडीशन में बनी थी। चूंकि हमारा आउटपुट एक ही है इसलिए आउटपुट के सर्किट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो ये तो बात हो गई हमारे ड्राइंग की। अब इस ड्राइंग के हिसाब से पीएलसी की प्रोग्रामिंग किस तरीके से करेंगे उसको देखते हैं। तो देखिए पीएलसी की प्रोग्रामिंग के लिए हमने लिया आई 0.0 का एनओ कॉन्टैक्ट, उसको हमने आगे कॉइल को सेट करा दिया क्यू 0.0 को। आई 0.1 का लिया है हमने एनसी कॉन्टैक्ट और उससे रिसेट कराया है क्यू 0.0 को। अब देखिए ये हो क्यों रहा है। देखिए अगर हम इसको एनओ लेते, एक बार के लिए हम मानते हैं कि हम इसको एनओ टाइप का ले लेते हैं। ठीक। अगर हम एनओ टाइप ले लेते तो चूंकि हमारा जो आई 0.1 है यहां पर देखिए ये क्या है, एनसी टाइप है, तो ये कंटिन्यूअस सप्लाई इनपुट मिल रहा है पीएलसी को। तो ये एनओ होता तो कंटिन्यूअस सप्लाई क्या होती, इसको मिलती रहती, तो ये कंटिन्यूअस हमारा रीसेट ही बना रहता, चाहे आप आई 0.0 को प्रेस करें या ना करें तो ये रीसेट ही बना रहता। ठीक। तो इसलिए हमने इसको क्या किया, एनसी टाइप लिया। तो अब ये इनपुट चूंकि आई 0. कंटिन्यूअस आ रहा है लेकिन एनसी होने की वजह से वो आगे पास नहीं होने दे रहा है। ठीक। तो अब जैसे ही हम आई 0.0 को प्रेस करेंगे ये हाई होगा, हाई होते ही हमारा ये क्यू 0.0 क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक। अब जब हम आई 0.1 वाला पुश बटन जो है, इस पुश बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो इसको जाने वाली जो सप्लाई है 24 वोल्ट वो खत्म हो जाएगी। इस तरीके से आई 0.1 हमारा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। आई 0.1 के लॉ होते ही यहां से सप्लाई आगे जाएगी और क्यू 0.0 हमारा रिसेट हो जाएगा। तो ये हमारी कंडीशन नंबर टू हो गई। अब इन दोनों कंडीशंस को हम पीएलसी के लैडर लॉजिक में एक बार बना के देख लेते हैं। ठीक। तो चलिए वहां पे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में देखते हैं। तो ये हमने अपना सॉफ्टवेयर को ओपन कर दिया है। इस सॉफ्टवेयर पे हम लिखते हैं, हम यहाँ पे पहले लिखते हैं कंडीशन नंबर वन, कंडीशन वन को हम देखते हैं। तो जैसा हमने वहां लिखा था, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, एनो टाइप लेंगे नॉर्मली ओपन आई 0.0। ठीक। उसके बाद हम यहां से लेंगे कॉइल जो कि सेट लेंगे। ठीक। और ये होगा हमारा क्या, क्यू 0.0 जिसकी 1 बिट होगी। ठीक। यहाँ पे कमेंट्स आ गए, आई 0.0 हमने फर्स्ट इनपुट लिया था, पुश बटन वन था, और ये हमारा क्यू 0.0 क्या है, फर्स्ट आउटपुट है। ठीक। दूसरा इनपुट लिखते हैं यहाँ पे, वो भी एनो टाइप है हमारा आई 0.1, और यहाँ पे हम यहीं से लेंगे रीसेट, ये वाला रीसेट एन बिट का, यानी हमें एक ही बिट लेना है यहाँ पे, तो क्यू 0.0 का 1 बिट। ठीक। तो ये हमारा हो गया कंडीशन नंबर वन के लिए, यही चीज हम यहाँ पे भी कॉपी कर देंगे। ठीक। तो ये हमारा कंडीशन वन के लिए हुआ। एक बार कंपाइल करके देखते हैं, कंपाइल करके देखा टोटल एरर्स 0 हो गए। तो इस तरीके से हमें पता चला कि ये प्रोग्राम हमारा सही है। तो ये हो गई सेट के लिए कैसे प्रोग्राम हमें लिखना है रिसेट के लिए। कंडीशन टू का भी लिखते हैं, यहाँ पे कंडीशन टू कर लेते हैं। ठीक। यहाँ भी हमें कंडीशन टू ही लिखना होगा, तो इसको भी कंडीशन टू लिख देते हैं। अब यहाँ पे फिर से कंडीशन टू में हमारा क्या था, कंडीशन टू में हमारा फर्स्ट इनपुट एनओ टाइप का था, तो इसको हम एनओ लेंगे आई 0.0, और यहाँ पे सेम एट इट इज, कुछ नहीं करना है, वहीं से सेट लेना है, सेट लेके यहाँ पे 1 बिट है और ये हमारा क्यू 0.0 का 1 बिट। ठीक। ये हो गया हमारा, और ये हमारा एनसी टाइप होगा। ठीक। ये हमारा हो जाएगा क्या, एनसी टाइप क्यू 0. सॉरी ये आई 0.1,
आई 0.1 का एनसी, और यहाँ पे हम रिसेट करेंगे किससे, एक बिट को क्यू 0.0। ठीक, तो ये हमारी कंडीशन वन कंपाइल करके देख लेंगे, सॉरी कंडीशन टू कंपाइल करके देख लिए। तो ये दोनों कंडीशन के लिए हमने प्रोग्राम को यहाँ पे लिख लिया। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को मैं इस सॉफ्टवेयर में सिमुलेट नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको सिमुलेट करके दिखाऊंगा। सिमुलेट का मतलब होता है कि हम उस प्रोग्राम को रन करके देखें कि आखिरकार ये काम कैसे करता है। तो आपको ये जो मैं प्रोग्राम को रन करा के, एट इट इज प्रोग्राम को रन करेंगे हम, GX डेवलपर एक सॉफ्टवेयर होता है जो मित्सुबिशी की PLC के लिए होता है, तो उस PLC के अंदर हम इसको रन करके देखेंगे। तो चलिए इस पूरे प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं GX डेवलपर में। तो फ्रेंड्स, ये GX डेवलपर में मैंने सेम प्रोग्राम को यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा आपको अलग दिखाई दे रहा होगा इसमें जो प्रोग्रामिंग है इसकी, बाकी चीज़ें सब सही है वैसे ही। जैसे NO टाइप का हमने यहाँ पे इनपुट लिया था, ये सेट आउटपुट है हमारा, ये हमारा NO टाइप का दूसरा इनपुट है, और ये हमने यहाँ पे रीसेट किया हुआ है। ठीक, इसमें लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग है बस, बाकी चीज़ें वही है बस। मेरा यहाँ पे आपको जो मेन हमारा जो यहाँ पे मोटो है वो ये है कि आपको यहाँ पे सिमुलेट करके दिखाऊं कि कैसे सेट और रिसेट होता है। ठीक, तो मैं यहाँ पे सिमुलेटर को ऑन करता हूँ, सिमुलेटर मैंने ऑन कर दिया है। ठीक, ये ऑन हो रहा है, यानी जैसे PLC के अंदर प्रोग्राम को डाउनलोड करते हैं एंड उसके बाद सारी चीज़ें होती है, राइटिंग होती है एंड उसके बाद वो रन मोड में आता है, तो वही सारा काम इसमें हो रहा है एज अ सिमुलेटर। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इस देखिए अभी क्या है, ये रिसेट है क्योंकि इनिशियली हर चीज़ रिसेट होती है। अब हमें इसको सेट करना है, तो मैं इस पुश बटन को प्रेस करूँगा। तो इस पुश बटन को प्रेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको फोर्स ऑन करना पड़ेगा। ठीक, तो मैं इसके डिवाइस टेस्ट में जाता हूँ। ठीक, और डिवाइस टेस्ट में जाके X0 को मैं क्या कर देता हूँ, फोर्स ऑन कर देता हूँ। फोर्स ऑन किया, ये हाई हो गया, हाई होते ही ये सेट हो गया। देखिए ये यहाँ पे क्या आ गया, सेट हो गया। अब अगर मैं इसको फोर्स ऑफ भी कर दूँ, मतलब मैंने अब ये इनपुट हटा दिया, देखिए ये लो हो गया, लेकिन फिर भी ये हमारा क्या है, सेट है। तो अब मैं इस इनपुट को छोड़ दूं या दबाता रहूं बार बार, लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेट ही रहेगा। कब तक, जब तक कि दूसरे पुश बटन से, यानी दूसरे इनपुट X1 से, इस वाले इनपुट से आप रिसेट नहीं करेंगे इसको। अब देखिए मैं इसको हाई करता हूं, फोर्स ऑन किया, देखिए ये क्या हो गया, रिसेट हो गया, ये सेट हट गया। अब ये क्या हो गया, रिसेट हो गया Y0.0, यानी जो हम उस प्रोग्राम में Q0.0 लिख रहे थे I0.0 का, वो हमारा क्या हो गया, रिसेट हो गया। तो ये कंडीशन वन हमारी फुलफिल हो गई। अब इसको मैं फोर्स ऑफ भी कर दूं, तब भी हमारा क्या रहेगा, ये रिसेट ही रहेगा, सेट नहीं होगा। तो ये एक मेन मतलब एडवांटेज होता है कि जब तक आप, अगर एक पल्स देकर आपने उसको ऑन कर दिया, आउटपुट को सेट कर दिया, तो वो हमेशा सेट रहेगा। कब तक, जब तक कि आप उसको रिसेट करने की कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे। ठीक, तो ये तो कंडीशन हमारी वन हो गई। कंडीशन टू को हम देखते हैं यहीं पे। ठीक, तो इसके लिए मैं इसको सिमुलेशन से एडिट मोड में आता हूं। ये मैं इसमें एडिट मोड में जा रहा हूं, मैं अभी ये एडिट मोड में आ गया। तो उसमें आपने देखा था कि जो दूसरा इनपुट था वो हमारा NC टाइप था, तो इसको मैं NC टाइप कर देता हूँ। ठीक, NC टाइप हो गया। अब इसको मैं फिर से सिमुलेट करूँगा। ठीक, तो ये मैंने सिमुलेटर ऑन कर दिया है कंडीशन टू के लिए। कंडीशन टू को हम यहाँ सेट और रिसेट करके देखेंगे। अब देखिए क्या है कि ये रिसेट दिखा रहा है आपको, और ये इनपुट आपका लो है, तभी तो ये NC हाई हो रहा है यहाँ पे। तो आपको ये पता है कि हमने कंडीशन टू में जो दूसरा इनपुट था उसको हाई किया हुआ था। तो सबसे पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिवाइस टेस्ट में जाके इसको फोर्स ऑन कर देता हूँ। फोर्स ऑन कर दूंगा क्योंकि कंटिन्यूस सप्लाई X1 यानी I0.1 को मिल रहा है। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पे ये रिसेट है। अब मैं इसको सेट करता हूँ, तो X1 मैं यहाँ पे X0 को फोर्स ऑन करूँगा।
फोर्स ऑन करते ही क्या हो गया हमारा, सेट हो गया। जैसे ही मैं प्रेस करूंगा यहाँ पे इनपुट हाई होगा, इनपुट हाई होते ये सेट हो जाएगा, मैं छोड़ूंगा तो इनपुट लो हो जाएगा। तो ये जैसे छोड़ दिया तो इनपुट लो गया, लेकिन ये सेट कंडीशन में ही बना रहेगा। अब देखिए ये जो दूसरा हमारा इनपुट है जो कि हाई है, ये हमारा क्या है, अभी हाई है, हाई है। तो इसकी वजह से जैसे ही आप प्रेस करोगे पुश बटन को, दूसरे पुश बटन को प्रेस करोगे, तो उसका इनपुट क्या होगा, लो होगा। और ये इनपुट लो हो गया, लो होते ही हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आउटपुट हमारा जो Y0.0 था या Y0 था वो हमारा रिसेट हो गया। ठीक, अगर मैं इसको फिर से ऑन कर दूं तो ये रिसेट ही रहेगा, ऑन ऑफ कुछ भी करता रहूं रिसेट ही रहेगा। कब तक, जब तक कि X0 यानी पुश बटन 1 हमारा प्रेस ना किया जाए। तो ये तो हमारी कंडीशन हो गई किसकी, सेट रिसेट की कंडीशन 2। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको इसमें जो कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 थी वो समझ में आ गई होगी। जो अगली कंडीशन जो बची हुई हमारी दो कंडीशन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी कमेंट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, मैं उसको पूरे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे जो हौसले को बहुत बढ़ाता है, और मैं ऐसे ही और मन लगा के वीडियोज को आपके लिए लाता रहूं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।